आरसीएम ने वेजिटेरियन मीट को गिरिडीह में लॉन्च किया है। सोमवार को मधुबन बेचिस में पत्रकार वार्ता के दौरान वेजिटेरियन मीट की विशेषताओं के बाबत जानकारी दी गई। नॉन वेज नहीं खाने वालों के लिए आरसीएम ने वेजिटेरियन मीट बाजार में उतारा है, जिसे शुद्ध शाकाहारी व्यक्ति लोग आसानी से खा सकते हैं। सोमवार को मधुबन वेजिस में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर अरविंद कुमार व सचिन अग्रवाल ने वेजिटेरियन मीट की गिरिडीह बाजार में लॉन्चिंग की। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों को वेजिटेरियन मीट की विशेषताओं के बाबत जानकारी दी। और इसका नतीजा है आपकी पेटों पर हानि पहुंचाते हैं और एकदम मीट की तरह ही टेस्ट करते हैं और ये है हाई प्रोटीन युक्त एवं आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर फायदेमंद। तो चुने वही रास्ता जो हो आपके लिए और वातावरण के लिए लाभकारी। चुनिए सही डॉट गुड डॉट। और आरसीएम ने एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च किया है वेजिटेरियन मीट के रूप में जो लोगों के लिए वरदान साबित होगा। पशु पक्षी को मारे बगैर आप मीट का स्वाद ले सकते हैं। प्योर शुद्ध शाकाहारी बना हुआ वेजिटेरियन मीट लॉन्च किया गया है, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन हमारे द्वारा यहाँ किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसे किसी भी माह में किसी भी दिन लोग बड़े चाव से खा सकते हैं। स्वास्थ्यवर्धक है, जिस तरह से रेड मीट में हानिकारक कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने वाला या तो कोलेस्ट्रॉल है ट्रांसफैट है, इसमें ना तो कोलेस्ट्रॉल है ना ट्रांसफैट है, बल्कि भरपूर मात्रा में प्रोटीन और कैल्शियम है, जिससे लोगों का स्वास्थ्य बनेगा। नमस्कार, मेरा नाम सचिन अग्रवाल है और एक विशेष प्रोडक्ट की हम लॉन्चिंग कर रहे हैं, वेजिटेरियन मीट। आज जैसे नॉनवेज का प्रचलन काफी बढ़ता जा रहा है और नॉनवेज से आने वाली बीमारियां भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि फार्म हाउस में जिस तरीके से जानवरों को रखा जाता है, जल्दी बड़ा करने के लिए इंजेक्शन लगाए जाते हैं, तो कई प्रकार की बीमारियां नॉनवेज के जरिए आ रही हैं। उससे बचने का एक बहुत आसान और बढ़िया तरीका, एक सब्स्टिट्यूट है, हम अपने स्वाद में समझौता किए बिना उन बीमारियों से बच सकते हैं। वेजिटेरियन मीट उसका एक विकल्प के रूप में हम लेकर आए हैं, जिसमें प्रोटीन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है, कैल्शियम की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है, दिखने में वो पूरी तरह मीट के जैसा है, स्वाद भी उसका पूरी तरह से मीट के जैसा है, मगर वो प्योर वेजिटेरियन सोर्सेज से बना हुआ है।